हेलो गाइस, क्या हाल है। एक और प्रेडिक्शन के साथ हाजिर हुए हैं। ग्रुप क्वालिफायर्स ग्रुप ए बी कंप्लीट हो गए। नदरलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ये आगे ग्रुप वन और टू में चले गए हैं। ठीक है, कल मैच है 21 अक्टूबर को 12 बजे दिन, सही है पाकिस्तान वक्त के मुताबिक, और इंडिया में 12:30 बजे। और मसला बढ़ गया, एक मसला ये बढ़ गया कि बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए। सही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच में बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेम गोस विद अदर डे, पाकिस्तान इंडिया मेलबर्न में भी क्रंच मैच है। पता नहीं क्यों ये बारिश, अब कुदरत का निज़ाम लड़ तो सकते नहीं है। सही है, ऊपर वाले से भी नहीं लड़ सकते, नहीं बारिश ना हो तो मौसम उन प्रिडिक्ट करें, हो सकता है चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है बारिश में का हर्डल आ जाएगा, और जो टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग प्रेफर करना पड़ेगी, क्योंकि वो पेज वेज सारे बाहर आ जाते हैं, मेथड्स ये वो। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अच्छा न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड पे है। मुझे लगी लास्ट 5 मैचेस में ये लोग हेड टू हेड जो आए उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है, न्यूजीलैंड जीता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड, इस तरह का रहा है। 5 मैचेस देख लेते हैं कि 5 मैचेस की क्या पोजीशन है। ये 9 रिजल्ट हुआ 1 मैच में ऑस्ट्रेलिया के, फिर 2 हारे हैं 2 जीते हैं, और न्यूजीलैंड लास्ट हारा है, 2-3 जीता है और फिर 1 जीता है। सही है, ये परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड का थोड़ा अपर एज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड है, लास्ट टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस होके आ रहे हैं, उनके अच्छा अपने ग्राउंड को कोई नहीं जानता। टिम डेविड और जो है स्टार्क और सारे स्टार्स मौजूद हैं, एक अच्छे उससे इंग्लैंड से सीरीज खेल के आए, भले हार गए लेकिन इनका कॉन्फिडेंस हाई है। ठीक है, इंडिया से भी वार्म अप आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो लाइक इनके प्लेयर्स देख लेते हैं, हु हैज़ टू लुक फॉर, कोई मेन प्लेयर्स कौन होंगे। डेविड वार्नर, मैथ्यू वेट, सही है, हेज़लवुड और कमिंस, ये इनके गो टू मैन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉनवे है, ब्रेसवेल हैं, सही है, और फिलिप्स हैं और टिम साउदी हैं, ये इनके गो टू मैन हो सकते हैं। अब 15 ओपनिंग स्क्वाड को देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। एवन फिंच, पैट कमिंस, एश्टन अगर, मिखेल अगर नहीं खेलेंगे, टिम डेविड है, कैमरन ग्रीन, जो शेटलवुड, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन भी नहीं खेलेंगे, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोनिस, वेड, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा। ठीक है, ये इनके हो गए, सही है। और इसके बाद न्यूजीलैंड का देख लेते हैं, न्यूजीलैंड में क्या जा रहा है भाई। केन विलियमसन कैप्टन, फिन एलन, ट्रेंट बोल्ट, ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेविड कॉनवे, लूकी फर्गसन, इनका फिटनेस पे डाउट है, गपटिल शायद खेलें ना खेलें, एडम मिलने, डेविल मिचिल, जिमी नीशम, गेलन फिलिप्स, मिचिल स्टार्कनर, ईश सोडी, टिम साउदी, ये इनके 15-15 हो गए। प्रोबेबल्स में से ये है कि जो वार्म अप्स में गए थे मोस्टली यही खेलेंगे। बारिश का बहुत अहम रोल अदा हो सकता है, हो जाए बैटिंग सेकंड लोग करेंगे। मुझे लगता है मैच अगर हो गया तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास अपना होम एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड पाकिस्तान से फाइनल में ट्वाइस सीरीज में आ रहे हैं, और वार्म अप भी हार है साउथ अफ्रीका से। सही है, तो देखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एंड ऑफ दी वर्ल्ड कप मैं आप लोगों को सरप्राइज एलिमेंट दूंगा, इसमें बड़े फन होगा, इस चैनल में इंटरव्यूज होंगे, कैरियर सिलेक्शन टू स्पोर्ट्स होगा, चीज़ होगी। सही है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ इजलास सिद्दीकी।